मैं एस्टेब्लिशमेंट चाहता हूं कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है, तुम्हें अपना एहतराम अजीज है, तुम पाकिस्तान में एक काबिल कदर इदारे की हैसियत से अपने खिदमात सर अंजाम देना चाहते हो, तो आपको इस गंदे कीड़े के पीछे से निकलना होगा। और जब तक आप इसके पृष्ठ पर खड़े हैं, हमारा पत्थर आएगा, उसको लगे या न लगे, एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सीने पे लगेगा। तुम लोगों ने कल के पार्लियामेंट को जिस तरह अपना खिलौना बनाया, और हम गवाह हैं, तुमने हुक्मरानों के सफों में बैठे हुए मेंबरान को टेलीफोने करके धमकियां दी हैं, अपने नुमाइंदों को भेजकर उन्हें धमकियां दी हैं कि अगर आप इस असेंबली के इजलास में न गए और हुकूमत के हक में वोट न दिया तो ये केस तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। तुमने हिजब इख्तलाफ के मेंबरान को फोन किए कि इजलास में नहीं आना, वोट नहीं इस्तेमाल करना। तुम्हारे इन मशकूक किरदार को हम देख रहे हैं, इसे नफरत की निगाह से देखते हैं और आपको खुले मैदान में अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। एक्शन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता। We've heard this again and again and again and again and again कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना आ सके। आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, मुझे क्या पता, मैं क्यों यकीन करूं, और किस किस्म के फीस है ये, वो जैसे मुशर्रफ के पास। मुफ्ती साहब, मैं से शुरू करो, अर्ज तो साहब इनकी गर्दन हम उड़ा देंगे। मैं कहता हूँ कि सारे जर्नलों को उल्टा लटकाओ, ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया मुफ्ती साहब, अगले सवाल का भी तो जवाब देना है मुफ्ती साहब। के वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाए, कोई फॉर्मूला बनाए। मैंने कहा सर फॉर्मूला वर्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फॉर्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे बिल्कुल। पाकिस्तान फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपे और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपे बंदूकें पाकिस्तान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। नवाज शरीफ ने माना है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में अब भी कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। तो 2008 का मुंबई हमला और उसमें पाकिस्तान का हाथ, ये बात मानी है नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। बहुत ही अहम हो जाता है ये खुलासा कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है। बावकार और बाइज्जत मुल्क बने तो फिर थोड़ा सा हमें भी अपने दिलों में हौसला पैदा करना पड़ेगा। कौन कोई खा जाएगा किसी को, 15 करोड़ आवाम को खा जाएंगे ये 2-4 दिन रह गए, जरा मुझे को बताएं क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं। आज 3 पैगाम देना चाहूंगा। पहला, फौज के जवानों और अफसरों के नाम, ये आपका अपना मुल्क है मेरे फौजी भाइयों, जिसके लिए आप जान देने से भी दरेक नहीं करते। आपने जहां इसकी हिफाजत का हल्फ उठाया है, वहां उतना ही अहम इसके आइन की ताबेदारी का हल्फ। जहां आइन शिकनी और कानून शिकनी शुरू हो जाती है, वहां जुल्म का दौर शुरू हो जाता है। जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद प्रस्त टोले के लिए आईन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहां आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आईन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। अपने हल्फ की पासदारी कीजिए, खुद को मुतनाजा होने से बचाइए। यानी इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला
और ताकि वो बगावत करे। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपना अपने इस गुस्से को या दुख और तकलीफ को कि ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां जो है मेरे जज्बात मेरे अपने भी जो काबू से बाहर हो जाएं। लेकिन ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है या पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़मों के साथ किया। 2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाहिल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड़े में धकेलना काफी नहीं था? सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? 10 का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और इखलाकियात को पांव तले रौंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो पास ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम, जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक्के हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा। का तो नाम नए आर्मी चीफ के लिए भी लिया जा रहा है, तो उस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत कबल अज वक्त बात है। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए उसको, बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीजें शायद 73 की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आईन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, मगर मेरा एक ही मुतालबा आसिम बाजवा साहब, जनरल आसिम बाजवा साहब, रसीदा कटो, रसीदा रसीदा कटो, पीजियां दिया, ये किधर गया पैसा? तो जो हटाओ, नोटिस ना दो हमें। अगर आपने रसीद ना दी तो सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद पेश होके आपसे रसीद मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो वर्दी बचपन में पहनी है उसको दागदार आप कर रहे हैं, मेरे अदारे को आप दागदार कर रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा पाक आर्मी के, हमने बचपना दिया हुआ है, खून दिया हुआ है, हम उस पे आँच नहीं आने देंगे आपकी वजह से। आपको अदालती कटेड़े में ला के हम कहेंगे हमारा अदारा पाक है, पाक फौज जिंदाबाद है। हम आसिम बाजवा को माफ नहीं कर सकते। किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्ती प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये जरूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है, मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊं। अगर मैंने लड़ाई करनी होती, मैंने कोई ऐसी डर्टी गेम खेलनी होती तो मैं वो वीडियोज सामने ले आती। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं, उसके ऊपर बड़ा मैंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब
बताना पड़ेगा। आपके पास नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी वीडियो अभी भी मौजूद है, क्या जज अरशद मलिक की वफात के बाद वो वीडियो भी दफन हो गई है या आप मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है? वीडियो कभी दफन नहीं होती, वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियत है, मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास दो टेप्स और हैं। रिकॉर्डिंग कब तक पब्लिक में आएंगे ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या? लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग है कि आपके पास रिकॉर्डिंग है? बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर घुमा हुआ है, क्या यार अजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की और क्यों की? जो थे उन्होंने कहा पाकिस्तान खप्पे, मगर अगर खुदा ना खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में जो लोग इसमें मुलव्वस हुए पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी और ये बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रिप्ले मत किया जाए, पाकिस्तान पर रहम किया जाए। मैं फौजी हूँ भाई, फौजी भी दो किस्म के हैं, एक फौज में जाते हैं सिर्फ प्लॉट लेने के लिए, दूसरे जाते हैं जान देने के लिए। आप वो हैं जो कि प्लॉट लेने के लिए गए थे, तो फिर हुकूमत बताओगे? किसमें है हर जगह पे? और तलाल चौरी साहब पहले इस किस्म के बयान दिया, इस पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूँ, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ, मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने। आप इसका पे लगेंगे लोगों मारने जाके, आप इसका पे लगे लोग मारे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ लोग मारे, एक बंदा मारे नहीं, आप इसका पे लगे, आपको ये मैंडेट दिया है, मारने आप लोगों को मार देते हैं, उनके लोग जो है नहीं बहुत मुझे आप ये सब लग रहे हैं, हम लोगों को मार दे, आप पुलिस को ऑर्डर करके नहीं को जाकर मार दे, आप जिन लोगों के आपका ये काम है, जिन लोगों का आपका ये काम है, आप रिपोर्टें ब्रेक करते हैं इशारे पे, उन्होंने मारे किसके इशारे पे? बॉर्डर टाउन के भी उन्होंने मारे इशारे पे, खुलकर उन्होंने मारे किसके इशारे पे? जिन्होंने तुम्हें रिपोर्ट दी है। अच्छा, आईएसआई ने रिपोर्ट दी है, आईबी ने रिपोर्ट दी है, किसने रिपोर्ट दी? बताओ ना तुम्हें किसने दी है, बताओ ना किसने दी है? यानी बोलते बाप है, सवाल हमसे पूछ रहे, तुम बोलते बाप है, नहीं बोल दो, आपके ऊपर मेरे पे तो कोई इल्जाम नहीं है, बिल्कुल इल्जाम तो ऐसे गड़बड़ गया, आप एजेंसियों के एजेंट हैं, आपके ऊपर एजेंसियों के एजेंट, आप गैर मुल्की ताकतों के एजेंट के तौर पर यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते हो, पानी पिए लोगों के खिलाफ, मुझे पानी पिए, पानी पिए, आप पे बहुत प्रेशर है, आप पे बहुत प्रेशर है, बोल्ट मैं कहता हूँ जिस बात पूछ रही है आप दिल पे प्रेशर लेके बैठ गए, बॉर्डर टाउन की बात हो, आप प्रेशर ले,
आपने आप सवाल का जवाब अगर नहीं देना चाहते हैं अगर आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं मुझे उससे भी कोई प्रेशर नहीं। आप सवाल का जवाब देते आपको नहीं लग रहा था चलो तो आप अपना आज की अकाउंटेबल किया करें जब तुम अकाउंटेबल घंटा आपको यही तमीज देगा आप तुम कह के बात कर रहे सारा आप जरा अपना मुखातिब देखें ये देखो आप तुम कह के बात कर रहे ये तो आप इसमें आपको मुखातिब किया तरीका क्या है आपकी पार्टी ने मुझे कहा आप तुम कह के बात करें मुझे कातिल कह रहे हो मैं मुल्जिम कह रहा हूँ मैं तो आपने तुमने मुझे क्या कहा मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ भाई तुमने कैसे रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा लेकिन आज भी ये पूरी पूरी इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है कौम जाहिल है मुफलिस है गरीब है पानी का पीने का पानी नहीं मिलता अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है आज वजीर तालीम जो वफाकी वजीर तालीम है उन्होंने एजुकेशन के मुतालिक आज से दो हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं ना उनमें लैट्रिंस हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात हैं मैं उसको चैलेंज करने के लिए तैयार हूं इनकी बहुत ही इखलाकी जरूरत होनी चाहिए थी अगर ये बात जनाब बाजवा को मिली थी और मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं किसी जमाने में उनकी अपॉइंटमेंट से लेके कुछ अरसा तक किस किस्म की बेहुदा बात रेफर हो रही है और अगर मेरी इंटेग्रिटी का एक आर्मी चीफ को नहीं पता मैं 29 साल में पॉलिटिक्स में हूं तो मेरा ख्याल है कि फिर वो बहुत ही उनकी एबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है अल्लाह के फर्ज से चैलेंज करता हूं कि एक रुपया की कोई इररेगुलरिटी निकाल के दिखाएं और इनके माजी के जो कॉलीग्स हैं वो ये कंफर्म करके और बहुत मैराथन किस्म की फॉरेंसिक ऑडिट्स और हर किस्म की चेकिंग कर चुके हैं तो बहुत ही फजूल बात उन्होंने की है सर कौन किसको कहता था वो मैं जनरल कमर बाजवा अपनी मेमोरी पे जरा जोर दें तो उनको पता चल जाएगा मैं समझता हूं कि अगर हम सभी जो मास्टर बनते हैं एक दूसरे के जो जो है फील्ड में घुस के अपने अपने यानी अपने डॉक्ट्राइन देने और अपने 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 इंटरप्रिटेशन देने अगर हम उससे बाहर रहते तो शायद आज हम पाकिस्तान हमने आधा ना गवाया होता आज तक हमने जो है वो सियाचिन को ना गवाया होता आज तक हमने कारगिल में पिसपाई ना देखी होती एल ना मिले मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है उन्हीं का चलाया हुआ है ये सजा भी उन्हीं के इमाम पर उन्हीं की कोशिशों से दी गई है इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता और मैंने अपनी दरखास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पैनामा बेंच के जजेस थे और भी आपका सवाल कैप्टन साहब एक तो अगर आपने कहा कि जी मीडिया को क्लियर हो मीडिया चलाए भी ये नोटिस फैज अमीर साहब दिलवा रहे हैं इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया बल्कि फौज के इदारे पे खुद को हमला किया और जानते हो अपनी बारी आई तो उस एक शख्स को कुर्सी पर रखने के लिए फैज अमीर साहब सर्विस छोड़े चकवाल से इलेक्शन लड़े जरूरत है किसी टीवी चैनल पे इसको चला दो मुझे पता है आईएसआई के लोग यहाँ खड़े हैं नेवी के खड़े हैं एमआई के खड़े हैं लिखे रिपोर्ट जो फैज अमीर केस करवा रहा है अपनी जात को कोई नुकसान हुआ कसम खुदा की मेरी नस्ल में कोई गैरत बंद हुआ फैज अमीर की 3 दशकों तक में दुश्मनी कर के सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब की आई
वो उस वक्त हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज्जिज और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को जमानत के लिए जब दरखास्त आई तो जनरल फैज साहब उनके घर तशरीफ लाए उस वक्त के डीजीसी और उनको कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी, तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि जमानत नहीं देनी वरना आप बेंच पे ना बैठे। तो उन्होंने एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्जाम लगाया तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज सदीकी साहब। वही अनाड़ी और ना लायक और ना अहल पाकिस्तान की बस चला रहा है और सब सिलेक्टर्स, सब तो नहीं दो सिलेक्टर्स, दो सिलेक्टर्स मिलकर पूरी कुवत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम ले रहे हैं। ने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी 65 में, फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा उनसे। कह रहे हैं छह सात साल मीडिया खाली, मैं अभी भी वक्त है। और सच इसलिए कहेंगे कि सच में ही इस कौम की बका है, इस मुल्क की बका है। ये 22 करोड़ का मुल्क जो है ये मुनाफकत और झूठ से जो है वो नहीं चल सकता। ये कोई तरीका नहीं है कि एक जर्नैल जो है वो मुजाहिदीन बनाए और दूसरा जर्नैल आके उन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना दे और ये पूरी कौम जो है उस मुसीबत को भुगते, पूरी कौम खून में नहला जाए और पूछने वाला कोई भी ना हो। एक ऊपर चला गया, दूसरा जो है वो बाहर जाके बैठा है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये इस किस्म के जो हथकंडे जो है वो 70 सालों से होते रहे हैं, ये अब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर अब ये बर्दाश्त किए जाएंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नैलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाजह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे कुंबत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। सियासत कर खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो। खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो, आ जाओ मैदान में, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हिस्से जाओ। हम इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की कुव्वत को इस्तेमाल करते हो और तुम अपने लाडलू के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। इसमें कुर्बानियां अवाम की है, अवाम के अलावा किसी की नहीं है। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। कल भी मैंने इस पर बात की थी कि रियासत कमजोर हो रही है, किसी बैरूनी दुश्मन के हाथों नहीं, हमारे अपने इदारों की सियासत में मुदाखलत की वजह से। हुकूमती निज़ाम को मुस्तरब रखा जाया जा रहा है, हुकूमत को हुकूमत करने दें। हुकूमत एक चैलेंज के तौर पर इस
इस निजाम को कबूल किया हुआ है। 4 साल गलाजतें कौम के ऊपर एक कोहे ग्राम बनकर जब ये लोग मुसल्लत रहे, आज उससे जब जान खलासी हुई है तो उन सारी मुश्किलात से निकलना एक चैलेंज है। लेकिन अगर मुदाखलत के नतीजे में हकूमती निज़ाम मुस्तरब रहता है, कन्फ्यूजन रहती है, तो इदारे भी काम नहीं करेंगे, मालियाती इदारे भी काम नहीं करेंगे, इंतज़ामी इदारे भी काम नहीं करेंगे और आम आदमी भी अपने घर में परेशान और सरगर्दान रहेगा। कि हमारे इदारों में यकीनन कुछ अफराद ऐसे हैं और रिटायरमेंट के बाद फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं, पहले उन्होंने कवर लिया होता है, जबकि वो दौरान मुलाजमत एक पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, पीटीआई के साथ वाबस्तगी रख रहे हैं। फिर मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप दौरान मुलाजमत एक पार्टी के लिए इदारे को इस्तेमाल मत करें, आप मुस्ताफी हों, मैदान में आए और मैदान में मुकाबला करें। इसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले दे रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत करना चाहता हूं कि एक कौमी कमिश्नर बनना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है और कौन है वो लोग जो पाकिस्तान के तहफ्फुज की बात करते रहे हैं। और जब मैंने अपना ये सब बातें वहाँ पर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो उसको तो डॉन लीक्स बना दिया गया था। और यही बात हमारे आज दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं, गैर मुल्की दोस्त कह रहे हैं, गैर मुल्की सरबराह कह रहे हैं। लिहाजा मैं अब समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन गद्दार है। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आईन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म बनाने का हिसाब देना है।